हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल गुजिया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए है पहले 2 कप मैदा, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक और 1 बड़ा चम्मच घी। अभी घी को हम अच्छे से मैदा के साथ मिला लेंगे। देखिए मैदा हमारा अच्छे से मोयन हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मैदा को गूंद लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा को अच्छे से गूंद लेंगे। डो हमको नरम नहीं बनाना है, डो को हम थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे। मैदा यहाँ पे अच्छे से गूंद चुका है। अब इसको हम एक गीले कपड़े से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। अभी स्टफिंग बनाने के लिए हम एक पैन में ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और उसके अंदर डालेंगे 1/2 कप सूजी और उसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ना सूजी अपना कलर चेंज कर दे। देखिए सूजी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको अलग करके रख देंगे। अभी पैन में हमने और 1 चम्मच घी ले लिए हैं और उसके अंदर हम डालेंगे खूब सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले से चॉप करके रख दी थी। ड्राई फ्रूट्स हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब उसको भी हम अलग करके रख देंगे। अभी फिर से पैन में और 1 चम्मच घी ले लेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे सूखा नारियल। इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए नारियल का कलर चेंज हो गया है, अब इसको भी अलग करके रख देंगे। अभी हम पैन में ले रहे हैं 1 कप मावा और उसको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। देखिए मावा भी हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको भी हम अलग कर लेंगे। अभी हम मावा, भुना हुआ नारियल, ड्राई फ्रूट्स और सूजी को अच्छे से एक इकट्ठा करके मिला लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे 1 कप शुगर पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। बस स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम एक एक करके हमारी गुजिया तैयार कर लेंगे। अभी मैदा को भी 10 मिनट हो गया है, अब इसको हम हल्के हाथों से थोड़ा गूंद लेंगे। गुजिया बनाने के लिए मैदा हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अभी हम मैदा से छोटी छोटी लोई काट लेंगे। अभी हम लोई को पूरी की तरह बेल लेंगे। कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसको मोल्ड में बनाएंगे। मोल्ड के ऊपर हमने पूरी रख दी है। अब इसके किनारे पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा देंगे क्योंकि ये गुजिया बनने के बाद फट ना जाए। इसके अंदर हम अभी भर के फिलिंग डालेंगे। अभी हम पूरी के साथ मोल्ड को फोल्ड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा बाहर से निकला हुआ है उसको हम निकाल लेंगे। मोल्ड को हम अच्छे से प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा मैदा को निकालेंगे ताकि हमारा गुजिया जो है एकदम शेप पे रहे। देखिए गुजिया कितना अच्छा बना है। अब इसको एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। तेल को हम मीडियम हीट पे रखेंगे और पूरा ये फ्राइंग प्रोसेस हमारा लो हीट में होगा। जितना लो हीट में हम गुजिया को फ्राई करेंगे गुजिया हमारा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। मैं यहाँ पे सूखी गुजिया ही बना रही हूँ क्योंकि हम इसको स्टोर करके 1 हफ्ता तक खा सकते हैं। आप चाहो तो गुजिया को फ्राई करने के बाद इसको चाशनी में भी डाल सकते हो। गुजिया के कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करना है। देखिए गुजिया हमारा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।